हाय गाइस, यू आर वाचिंग पॉलिट बॉक्स ऑफिस मूवी म्यूजिक एंड मोर। आइए देखते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ। संजना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मम्मियों को मुद्दा बना के उनकी बेइज्जती होनी चाहिए। यहाँ पे लड़ो, मारो, चोटी पकड़ो, उठा के पटको, लेकिन माँ बाप तक मत जाओ। ये सुन के अंकिता कहती है कि आप ही जाते हो पहले। अभी जो तुमने बोला वो पारस की मम्मी और उनके रिश्ते में कंपेयर किया वो मत करो। पारस सब लड़की को कहता है कि आपको बता दूं, मेरी मम्मी को मायरा बहुत पसंद है और मेरे पीछे से मायरा उनका बहुत ध्यान रखती है। अगर आपको बुरा लगता है तो लगने लगाने तक ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में मत इंटरफेयर करो और मेरी माँ तक पहुँचो ही मत। मायरा तक पहुँच रहे हो तो पहुँच लो। घर में बेटी एक कंडीशन बोलती है कि हमें मत बताओ कि तुम्हारी मम्मी ने कौन सा स्टेटमेंट पास किया है। फिर पारस उन्हें जवाब देता है कि मैंने बोला ही नहीं। पारस ने अंकिता को बुलाया और पूछा कि तुमने कल ये कहा था कि मैं कहीं का राजा हूँ। अंकिता पारस को कहती है कि मैंने ये बात बोली नहीं थी, लेकिन ये बात वहाँ पर हुई थी। लेकिन जिस मूड में मैं थी और जितने एग्रेशन में मैं थी, मुझे नहीं याद आ रहा है वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, लेकिन ये डायलॉग मेरे कान में गया। ये शहबाज गुस्से में था, उसने ये बातें बोली थी। पारस शहबाज को बोलता है कि इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि तेरे चक्कर में ये दोनों पे बातें आ गई जो होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि लड़कियों के बीच में बातें मत किया कर। मैं बात कर सकता हूँ अगर ये मेरे लिए आई है तो, तेरे दोस्त है तो बाद में साइड में बैठ के समझा दे। पारस घर में बैठे एक कंडीशन को पूछते हैं कि जब आप कल इन्हें बुलाने गए थे तो इन्होंने आपको क्या बोला था। पारस बोलता है कि ये है ना कि मैं कहीं का राजा हूँ। कहते हैं कि हाँ मैंने बोला था। पारस अंकिता को कहता है कि हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ और ये यहाँ की रानी है। पारस संजना से पूछता है कि और तुम कुछ बोलना चाहते थे। संजना कहते हैं कि मैं जब अंदर बैठी थी मुझे लगा खत्म हो गया। जब ये बुलाने आए थे अंकिता को, तब अंकिता ने बहुत गुस्से में बोला था कि वो क्या कहीं का राजा है, मैं क्यों आऊँ। फिर संजना बाहर आई और इन्होंने अपना रंग बदला। आपको बोल रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर सारे कंक्लूजन खत्म होने के बाद हक दे दो ना यार, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, हक दे दो ना यार, संजना क्लैप करते हुए बोलती है कि वाह, रंग बदलना को इनसे सीखे। अंकिता संजना को कहते हैं कि तुम्हें हक तो मिलती नहीं, इसलिए तुम जल रहे हो। फिर संजना अंकिता को दिखाती है कि देखो मुझे हक मिल रही है, अब बोलो। अंकिता संजना को कहते हैं कि आपको ऐसे ही खुश करने के लिए दिया है। संजना कहते हैं कि जब लास्ट टाइम गौतम का एपिसोड हुआ था शहनाज ने बोला था कि बलराज तुझे सही में अच्छा दोस्त समझता है। देखो ये ऐसे ऐसे करती है कि कमोन, तुम मेरे दोस्त हो, इतनी दोस्ती कैसे हो जाती है 10 दिन में। खुद को डिफेंड करते हुए बोलती है कि मेरी हो जाती है दोस्ती 10 दिनों में क्या, मैं तो 2 दिन में अच्छी दोस्त बन जाती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। उसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है। पारस ने आंसर को कहा कि तुमने कल एक बात कही थी अलोन टाइम पे। फिर आंसर पारस को कहती है कि तुमसे ज़्यादा वो उनके साथ, अभी भी वो उनका हाथ पकड़ के बैठी थी, उन जिसने वो कभी दूसरे लड़के का हाथ पकड़े। अंकिता कहती है कि वो दूसरा लड़का नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसी ही हूँ। आशिल कहती है कि अगर मेरे लाइफ में एक लड़का है, मैं उसी का हाथ पकड़ूंगी, मैं उसी गर्ल पे किस करूंगी। आशिल अंकिता को कहती है कि तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स हैं तुम सबके गोद में बैठकर उन्हें किस करते हो, मैं वो नहीं कर सकती। ऐसे पारस को अंकिता और आंचल के बीच में फ़र्क बताती है। फिर बलराज बोलता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूँगा, जो भी मेरे बीच में बोला मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। बलराज की ये सब फनी बातें सुन के शहनाज बहुत हंस पड़ती है। बलराज घर में बैठे सारे लड़कों को पॉइंट करते हुए बोलता है कि जब अंकिता मॉर्निंग में सो के उठती है, अंकिता तुझे भाई बोलती है, तुझे आके हक करती है, तू डिप्स मारता है, पीठ पे आके बैठती है वो, तो तुझे गंदा फील होता है क्या। लोगों के मन में खोट होती है, वो पारस के सामने कुछ और होते हैं और उनके पीछे कुछ और होते हैं। तुमने 40 फिल्म की होगी, तुमने कभी किसी को किस किया, मैं भी नहीं किया होगा। तुम यहाँ आके बोलते हो पारस मेरा है, मुझे पारस नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। क्या दे दिया 15 दिन में पारस ने जो तुम पारस के लिए मर जाओगे पारस नहीं मिला तो। बलराज सारी लड़की को कहता है कि किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले
खुद की शक्ल आईने में देखा करो। अंकिता मेरी दोस्त है, उसके कैरेक्टर के बारे में किसी ने कुछ बुरा बोला तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। पहली बात, मुझे लोग कहते हैं कि शहनाज को तू बहन बोलता है। अगर मैं यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए आया हूँ तो एक रिलेशनशिप में आपकी जो बीवी होती है वो आपका ध्यान रखेगी एक बहन की तरह, आपको डांटेगी आपकी माँ की तरह और आपसे प्यार करेगी अपने बीवी की तरह। बलराज की सब बातें सुन के घर में बैठे सारे कंटेस्टेंट क्लैप करते हैं। और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए पॉलीवुड बॉक्स ऑफिस एंड प्रेस द बेल आइकॉन।